दो पे कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए अब ये और ज़्यादा लाल हो गया, लेकिन जो मूवमेंट है उसकी वही रहेगी, उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो ये देखिए ये बंद हो गया, ये उठाना है तो ये बंद हो जाएगा। पसीने आ गए मुझे तो, इतना गर्म लग रहा है, पसीने आ गए मेरे को देखो। तो दोस्तों मैंने मंगाया है अमेजोन से एक रूम हीटर, तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह का रूम हीटर है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि डब्बे के ऊपर लिखा है थर्माकूल का सन हीटर, इसे भी हम खोलते हैं फटाफट। अगर वीडियो देखने के बाद में अगर आपको पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसे अमेजोन से खरीदा है पर्सनली। और इसे खोलते हैं फटाफट और टेबल पर रख के देखते हैं ये कैसे काम करता है। और डब्बे के ऊपर देखिए थर्माकूल की एक ब्रांडिंग लगी हुई है, ISO मार्क लिखा हुआ है, सन हीटर लिखा हुआ है, सोलर ऑक्सीलेटी लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर लिखा है सेफ्टी मेसिंग ग्रिल, सेफ्टी टिप ओवर स्विच, टू हीटिंग सेटिंग जिसमें 600 वाट और 1200 वाट भी मिलेगा, और विंग एंगल ऑक्सीलेटी फंक्शन मतलब कि ये घूमेगा लेफ्ट राइट जो है घूमेगा, टेम्परेचर रेजिस्टेंस हाउसिंग, अच्छा टेम्परेचर जो है इसका हाउसिंग बना हुआ है इस हिसाब से कि ये पूरा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकता है, गर्म हो करके इसका प्लास्टिक जो है पिघलेगा नहीं। और यहाँ पे बाकी के फीचर्स दे रखे हैं, और इसकी MRP देखिए 2170 रुपए लिखे हुए, लेकिन हमने इसे 2170 में नहीं लिया है, मैं इसकी प्राइस आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो दोस्तों ये है थर्माकूल का रूम हीटर, जो कि बिल्कुल टेबल फैन के जैसे दिखता है, लेकिन इसके अंदर इतनी खासियत है कि अगर अभी आप देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो ये फैन वाला नहीं है, ये ब्लोअर वाला नहीं है, इसमें आपको कोई फैन वैन नहीं मिलेगा, लेकिन ये इतना गर्म कर देता है कि आपका पूरा रूम जो है 10x10 का रूम अच्छे से गर्म हो जाता है। ये वो वाला हीटर नहीं है कि आप इसे चालू छोड़ दो और आराम से सो जाओ, इसमें आपको टाइम सेट करना पड़ता है, उसी टाइम के हिसाब से ये चलता है और उस टाइम के बाद में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो चलो मैं आपको इसे चालू करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसे प्लग इन कर दिया है, इसके अंदर आप इसे 600 वाट पे भी चला सकते हो और 1200 वाट पे भी चला सकते हो, 2 वाट आपको इसके अंदर मिलते हैं 600 और 1200, मतलब कि 600-600 वाट के दो स्प्रिंग लगे हुए हैं इसके अंदर, तो एक टाइम पे एक और एक टाइम पे दो आप चला सकते हो। तो ये देखिए ये यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, जब हम इसे एक पे करेंगे तो ये एक स्पीड पे चलेगा, तो अभी ये एक पे हो रखा है लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसका टाइमर ऑन नहीं किया है। तो आप देखिए मैं इसका टाइमर जो है 10 मिनट के लिए ऑन कर देता हूँ, ये देखिए ये 10 मिनट के लिए ऑन हो चुका है। तो ये देखिए ये लाल हो चुका है, इसमें ये गर्माहट चालू हो गई है, अभी ये एक स्प्रिंग के ऊपर चल रहा है, मतलब कि अभी ये सिर्फ 600 वाट पे चल रहा है। अब इसे मैं इसे दो पे कर दूंगा तो अब देखिए ये और ज्यादा लाल हो चुका है, अब इसकी गर्माहट के पास में मैं खड़े नहीं रह पा रहा हूँ, इतनी ज्यादा गर्माहट लग रही है मुझे। ये देखिए कितना गर्म हो चुका है, इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि मैं अब इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पसीने से आ गए, इतनी गर्मी लग रही है इसके अंदर, इतना ज्यादा लाल हो चुका है। और मैं इसे वापस एक पे करता हूँ तो ये देखिए ये वापस वोल्टेज इसके जो है कम हो गए। अब यहाँ पे देखिए मेरे मीटर के अंदर भी आपको है जो है वोल्टेज कम दिखेंगे, देखिए 500 वाट आ गया ना। अब मैं इसे देखिए दो पे करता हूँ तो ये देखिए लाल हो गया, और आप देखिए 1184 वाट के आसपास आ गए, देख रहे हो। तो ये है इसकी खासियत, और इसके अंदर खासियत ये है कि अब इधर ये एक और ये दो है ना, मैं इधर से इसे ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ हो गया। अब मैं इसे यहाँ पे यूं घुमाऊंगा तो ये देखिए ये मूव करेगा, इधर से उधर मूव करेगा, धीरे धीरे करेगा, ज्यादा तेजी से नहीं करेगा, देखिए ये मूव कर रहा है। और अभी ये 600 वाट के मतलब कि एक एलिमेंट पे चल रहा है। अब जैसे ही मैं इसे दो पे कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए अब ये और ज़्यादा लाल हो गया, लेकिन जो मूवमेंट है उसकी वही रहेगी, उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे मूव करेगा ये। तो ये एक चीज मुझे बहुत सही लगी इसके अंदर। तो ये सामने से कुछ इस तरह से दिखता है और बैक साइड से कुछ इस तरह से ये इसकी ग्रिल बनी हुई है, पूरा फाइबर है, और यहाँ से देखिए कुछ स्प्रिंग टाइप में हीटिंग एलिमेंट यहाँ पे लग रहे हैं इस तरफ से, और पीछे से देखिए पूरी बॉडी जो है पूरी फाइबर की है, इसमें कोई भी करंट लगने का खतरा इसके अंदर नहीं है, पूरी फाइबर की बॉडी है इसके अंदर, और ये आराम से मूव भी हो जाता है। इसे उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा और वापस रख देंगे तो चालू भी हो जाएगा। और सामने से ये जो पूरी बॉडी है ये मेटल की है, इसमें भी आपका कोई करंट लगने का इसमें खतरा नहीं है, आप इसे आराम से हाथ लगा सकते हैं। ये जाली जो है ये गर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इससे दूर रहना है क्योंकि ये गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इतना पास में मैं इसके बैठ नहीं सकता क्योंकि इतना ज़्यादा ये अभी गर्म हो रहा है। और सामने इसके बस ये दो स्विच दे रखे हैं जिसमें आपको फंक्शन मिल जाते हैं, एक टाइमर है और एक है सेलेक्टर स्विच, और ये टाइमर वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है, आप इसे 60 मिनट तक चालू करके छोड़ सकते हैं, एक घंटे के अंदर पूरा रूम गर्म हो जाएगा और एक घंटे के बाद में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़ी देर में बंद होने वाला है, इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, ये देखिए ये हो गया बंद। और इसका ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे कि अगर आपको इसको उठा के कहीं ऐसे उठाना है यूँ तो ये देखिए ये बंद हो गया, ये उठाना है तो ये बंद हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे एक स्विच दे रखा है। देखिए मैं आपको स्विच दिखाता हूँ, पहले इसे करता हूँ बंद, और इसका स्विच देखिए, ये देखिए ये स्विच दे रखा है यहाँ पे, ये स्विच इस तरह से दबेगा तो ये चालू हो जाएगा और छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। देखिए मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, ये देखिए अब ये चल नहीं रहा, अब मैं इस स्विच को दबाता हूँ तो देखना क्या होता है।
ये देखिए लाल होना चालू हो गया और ये चालू हो गया, और मैं जैसे छोड़ दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये के नीचे ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ है। अब ये देखिए मैं रख दूंगा तो ये चालू हो जाएगा, ये देखिए ये चालू हो गया। तो ये एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी इसके अंदर कि आप इसे उठा के कहीं मूव करते हो, इधर उधर रखते हो या चेंज करते हो इसका रोटेशन, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, चालू में नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई बच्चा इसको उठाने की कोशिश करेगा तो उसे करंट लगने का खतरा भी नहीं रहेगा। वैसे भी करंट नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी करंट लगने का इसमें खतरा नहीं रहेगा। तो ये वाली जो खासियत है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे तो काफ़ी पर्सनली पसंद आया। इसे मैंने पर्सनली खरीदा है, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया इसलिए मैंने इसे अमेजोन से खरीदा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करके आप भी इसे अमेजोन से खरीद सकते हो। ये 1600 से लेकर के 2000 रुपये तक आपको मिलता है, और इसमें अलग अलग वोल्टेज के भी मिलते हैं। मतलब कि ये मुझे 1200 वाट का मिला है, तो आप इसमें 2000 वाट का लेंगे तो आपको वो और महंगा मिलेगा। तो ये 1200 वाट का मुझे 1800 रुपए में पड़ा है, और इसकी एक साल की वारंटी भी जो है कंपनी दे रही है। अगर आपके आसपास के मार्केट में मिलता है तो वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे ले सकते हैं, बढ़िया और मस्त चीज है, मुझे तो मस्त लगी। बाकी आप एक बार लेकर ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप अमेजोन पे उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो मुझे तो मस्त लगा, आपको लगा या नहीं लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद। बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा, अब मुझे जैकेट निकालने का दिल कर रहा है, इतना ज्यादा गर्म हो गया।